मैं आपके लिए चने की दाल की स्टफ्ड टिक्की बना रही हूँ। मैं आलू के अंदर चने की दाल भर के बनाऊंगी टिक्की, और इसके लिए मैंने आधा कटोरी दाल ली है। इनको मैं धो के इसको बॉईल करूंगी। अब ये चना दाल मैंने कुकर में बॉईल होने के लिए रखी है। थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि हमें पानी तो पूरा निकालना है उसमें, और हम इसको 3 सीटी तक पकाएंगे। आलू को हम छील लेंगे, आलू को हम मैश करेंगे। ये देखिए, ये आलू मैश हो गए हैं। ये हमारी चना दाल को हमने बॉईल कर लिया है और इसका पानी हमने छन्नी में डाल के निकाल लिया है, तो ये बिल्कुल इसमें पानी नहीं है। तो अब हम इस आलू की टिक्की की स्टफिंग तैयार करेंगे, इसका तड़का लगाएंगे, वो बताती हूँ मैं आपको। चना दाल की स्टफिंग बनाने के लिए हम घी ले रहे हैं। 2 टेबलस्पून मैंने घी लिया है, क्योंकि घी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। घी गर्म हो गया, 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ जीरा, नमक 3/4 चम्मच, आधा चम्मच मिर्ची, 1 चम्मच सूखा धनिया, अमचूर आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, आधा चम्मच चाट मसाला, ये थोड़े से मैं कटे हुए काजू डाल रही हूँ, और ये थोड़ी सी किशमिश 1.5 चम्मच के करीब किशमिश। अब इनको हिलाएंगे, थोड़ा सा पकाएंगे इसको किशमिश को। देखिए फूल गई है। और हरी मिर्च 1/2 चम्मच। अब मसालों के साथ इसको मिला देंगे, और अब हम ये हमारी कटोरी में जो दाल पड़ी है वो दाल डाल देंगे। अब ये देखिए, दाल जो है ये पूरी गली हुई है। आप ऐसे रखिएगा, सख्त भी नहीं होनी चाहिए दाल, और बहुत वो भी नहीं होनी चाहिए कि मैश हो जाए दाल। ये ऊपर से हरा धनिया, अच्छे से चटपटी होनी चाहिए। आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। इसमें हम धनिया थोड़ा और डालेंगे, अच्छे से धनिया, इसमें बहुत सा धनिया अच्छा लगता है इसमें। और ये दाल देखिए काफी मैश हो गई है। तो इसमें पानी की जरूरत नहीं लग रही, मैश हो गई है, तो हम पानी नहीं डालेंगे, इसको ऐसे ही मैश करेंगे। ये देखिए, बस हमारी अब चना दाल जो है स्टफिंग के लिए तैयार है। अब इसको हम ठंडा होने देंगे, तब तक हम आलू टिक्की की तैयारी करते हैं। इसको 10-15 मिनट ठंडा होने देंगे। अब इसमें हमें कॉर्नफ्लोर डालना है, 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे, 1/2 चम्मच, क्योंकि हमने मसाले में भी डाला हुआ है, तो हम नमक ध्यान से डालेंगे। और ये है चाट मसाला, और हम इसको मिक्स करेंगे। अब 1 चम्मच ऑयल डालेंगे इसमें, बस हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। 10 मिनट के बाद इसकी टिक्की बनाएंगे। अभी हमने 10 मिनट के बाद आलू के मिक्सचर को निकाला है, तो अब हम टिक्की बनाएंगे। ऐसे हम गोले ले लेंगे, और ये हमारी स्टफिंग, तो हमने इसको ऐसे इसको वेल की तरह नीचे बनाना है, और ये चने की दाल हम बीच में डालेंगे। ये देखिए, इसको फिर हम नीचे दबा के टिक्की की शेप। इसको हम ऐसे ब्रॉ कर लेंगे और टिक्की की शेप देंगे। इसे हम तैयार कर लेंगे सारी टिक्कियां। हमने ऑयल रख दिया है, ऑयल गरम है हमारा, बट हम पहले थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। और आप भी हमेशा टेस्ट करके डालिए फ्राइंग के लिए। थोड़ा सा आलू डालते हैं इसमें। ये देखिए, ये मैं आलू डाल रही हूँ। अगर ये फैल रहा होता तो इसका मतलब इसको अभी बाइंडिंग की ज़रूरत है। अगर नहीं फैलता तो ठीक है, अभी ये नहीं फैल रहा,
तो इसका मतलब ये ठीक है, इसको बाइंडिंग की और जरूरत नहीं है। तो अब हम टिक्की डालेंगे इसमें। इसको थोड़ा एक तरफ से पकने देंगे, तब इसकी साइड चेंज करेंगे। इसको हिलाएंगे नहीं ज़्यादा और इसकी गैस नीचे से मीडियम हाई रखेंगे। बहुत तेज़ गैस नहीं रखेंगे हम, क्योंकि नहीं तो बाहर से पक जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसकी साइड चेंज करेंगे आराम से। ब्राउन होना शुरू हो गया, तो अच्छा कलर आया इसका। इस टिक्की को आप चटनी के साथ, मीठी चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। और इस टिक्की की आप चाट भी बना सकते हैं दही के साथ। दही वो भी मैं आपको बताती हूँ, आप दही टिक्की चाट भी खा सकते हैं बना के। तो आपको जैसी आपकी इच्छा हो वैसी आप बना के खा सकते हैं। अभी ये पकेगा और अच्छे से हम इसको क्रिस्प करेंगे और ये एकदम क्रिस्प हो जाएगी टिक्की। जैसे आपको मार्केट में एकदम कड़क मिलती है वैसी कड़क हो जाएगी। देखिए टिक्कियाँ अब काफी ब्राउन हो गई हैं। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। एक मैं मसाला बना रही हूँ, इसमें है आधा चम्मच काला नमक, 1/3 चम्मच हरी मिर्च, लाल मिर्च, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच सूखा धनिया और आधा चम्मच भुना हुआ जीरा। आप इनको मिक्स कर लें। और ये मसाला मैंने इसलिए बता रही हूँ आपको कि ये आप बनाएं, और जब आप आलू टिक्की की चाट बनाते हैं जो दही के साथ, तो उसमें ये मसाला डालें। तो वो अभी मैं वो भी आपको बना के दिखाऊंगी कि आप कैसे बनाएं आलू टिक्की की चाट। टिक्की की चाट बनाने के लिए ये हमने दही को विस्क कर लिया है अच्छे से, और इसमें हम थोड़ी सी चीनी डालेंगे, 1 से 1.5 चम्मच चीनी, और आप इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा मसाला डालेंगे जो अभी हमने बनाया है। इसमें हम ये मीठी इमली की चटनी है वो डालेंगे, थोड़ा धनिया है, पुदीना की चटनी वो डालेंगे, और ये दही जो हमने बनाई है दही डालेंगे। आप फिर थोड़ी सी चटनी डालिए, और ये फिर इमली की चटनी, ये थोड़ा सा आप अनार अगर डालना चाहते हैं आपको पसंद तो अनार डालें, और अगर आपको अदरक पसंद है तो ग्रेट किया हुआ थोड़ा सा अदरक आप इसे खाइए और एंजॉय कीजिए। दाल की स्टफिंग आपको पूरी एकदम नजर आ रही है।